हेलो दोस्तों, हैप्पी नाग पंचमी। इस वीडियो में बताने वाला हम लोग शिवलिंग का डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये जानना है तो इस तरह के शिवलिंग का डिज़ाइन और प्लस इसके ऊपर जो टेक्सचर और मटेरियल डाला गया है और ये जो लाइटिंग कैसे की गई है और ये जो टेक्सचर कैसे डाला गया है, ये जो इधर पे सिम्बॉल इनका और ये मॉडल कैसे किया गया है, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। Pixany.com, यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D Max मॉडल एंड टेक्सचर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग आ गए अपने 3D Max के अंदर। आप देख सकते हो ये इस तरह का शिवलिंग हमें कैसे बनाना है। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं नीचे का शेप। यहाँ पर देख सकते हो ये हम लोग का शेप बनेगा सिलेंडर से। सिलेंडर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अब नहीं हम लोग लेंगे सिलेंडर। तो यहाँ पर सिलेंडर को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो सिलेंडर का साइज़ मैं इधर पर ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है कि ये सीधा सीधा इधर पे हम लोग को ऐसे ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ये शेप क्रिएट करना है हमें। तो मगर इधर पे क्या हो रहा है कि इधर पे सीधा सीधा बन रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए तो जाएंगे एडिटर पॉली में, इधर पर एडिटर पॉली ले लेंगे, तो कर लेंगे हम लोग स्केल जो मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ। स्केल यूज करेंगे, स्केल टूल, तरह से बन गया ये वाला पार्ट। फिर अभी मुझे बनाना है इसके इधर पे ये वाला पार्ट। तो इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है डिज़ाइन करने की। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, इसके लिए हमें इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा। एक इसका मैं करता हूँ रिवर्स, लेता हूँ एक सेगमेंट्स ऊपर की तरफ का कॉपी ले लेते हैं, पर कॉपी कर लिया। इसको कर लेता हूँ मैं रिवर्स लाइक दिस, रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री, या फिर ये ले लेते हैं मिरर। मिरर पे क्लिक करें तो आसानी से मिरर हो जाता है, तो मिरर हो गया। तो इसको इसके साथ टच करा देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर करा रहा हूँ टच। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ऑन कर देते हैं एंड ये हो गया टच। तो मैं इधर पे एक्सेस कंस्ट्रेंट यूज़ कर रहा हूँ एंड ये सेगमेंट क्या बोलते हैं स्नैपिंग। तो फिर एक्सेस कंस्ट्रेंट कैसे यूज़ होता है इसके ऊपर वीडियो मैंने बना चुका हूँ, अगर आपको ये जानना है तो फिर उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो किस लिए काम आता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। तो अभी ये तो हमारे पास इतना तो बन गया, मगर ये तो क्या कि अभी पूरी तरह से बना नहीं, नीचे वाला ये पार्ट है। ठीक है, नो बड़ा इशू। तो मैं इसको एक और एक्सट्रूड करूँगा, वन मोर एक्सट्रूड यहाँ पर, जैसे कि वन मोर एक्सट्रूड किस लिए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं एक और थोड़ा शेप तो ऐसा है फैला हुआ, और एक और एक्सट्रूड जैसा ऐसे फील आ रहा है यहाँ पर मुझे। तो फिर वैसा मैं करूँगा यहाँ पर एक और एक्सट्रूड अप्लाई करूँगा यहाँ पर। तो प्रस्पेक्टिव में चलते हैं हम लोग, तो अभी मैं इसके अंदर डालता हूँ एक और एक्सट्रूड यहाँ पर से एडिटर पॉली से कुछ इस तरह से। इसमें से मैं कितना लूँगा सेगमेंट्स ये मुझे ध्यान देना होगा, ये परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर ये थोड़ा परफेक्ट नहीं हुआ ना तो फिर पूरा काम ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को ज़्यादा नहीं लेने का, इतना ही काफ़ी रहता है, इतना ही बेहतर रहेगा। ज़्यादा लेंगे तो पूरा काम ख़राब हो सकता है, इतना ही बहुत ही रहता है, इतना ही बहुत है। तो फिर ज़्यादा लें तो ये इतना आधे से ज़्यादा हो जाएगा, इतना काफ़ी हो जाएगा, बहुत जैसा लग रहा है इतना काफ़ी हो। अंदर की तरफ कट करूंगा तो इतना हो जाएगा, इतना ले लेता है। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, ये वाला तो ले लिया हम लोग ने, नीचे वाला भी ले लेते हैं। नहीं,
हम लोग ऊपर की तरफ से ले रहे हैं, उतना ही सेम टू सेम हम लोग नीचे की तरफ से लेना है। और ठीक है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कर लेते हैं और इधर पे जैसे मैं ये इधर पे वाई एक्सिस से इस दब करूँ, देखो सीधा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग फ्रंट में चलते हैं, अपने फ्रंट में लेफ्ट। अभी इसको कर लेते हो ऊपर की तरफ सीधा, डन। ये काफ़ी हो गया। फिर जो मेरे को ये जो है ये नीचे वाला पार्ट को तो थोड़ा सा मेरे को ऊपर की तरफ लेके जाना है कुछ इस तरह से। अभी इसके अंदर भी हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें करनी होगी, जैसे सीधा नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर भी हम लोग को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सेगमेंट में चेंजेस लाने होंगे। जैसे कि हाँ देखो दिखाता हूँ मैं, हम लोग को इसको गोल शेप में लेके जाना है ऊपर की तरफ। तो कैसे लेके जाएंगे गोल शेप में, ऐसे सेलेक्ट किया एक पार्ट को ऊपर लेके गया, ऐसे सेलेक्ट किया दूसरा पार्ट ऐसे ऊपर लेके गया, फिर ये भी सेलेक्ट किया को भी ऐसे ऊपर लेके गया, फिर ये भी सेलेक्ट किया इसको भी, दो दो के पार्ट में मैंने ऐसे ऊपर ले गया। ठीक है, तो ये देखो ऐसे गोल शेप में आ गया अपने पास, तो मैं आराम से ऊपर लेके जा रहा हूँ लाइक दिस। हम लोग को राउंड शेप में आ गया अपने हाथ में, डन। तो फिर ये भी काफ़ी हो गया है। और तो ये वाला है और ये वाला है, इसको मैं करूँगा सॉरी और इसे। ठीक है, ऐसे करते हैं, फिर ये ओवरऑल सबको सेलेक्ट कर लेते हैं तरह से। तो भी मैं कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ से कर लिया मैंने। ठीक है ना जी, ये हो गया। और ये तो चलो इतना तो अपने लिए काफी, थोड़ा सा और भी कर, थोड़ा इसको और भी लंबा करना होगा जहां तक मुझे लग रहा है। काफी होगा, चलो अभी अंदर का जो ये शेप है कुछ इस तरह से है और कुछ इस तरह से है, इसको हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। इसलिए ये जितने भी ये हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं उनको कर देंगे एक बार डिलीट। ठीक है, फिर ये लेंगे हम लोग बॉर्डर, बॉर्डर ले लेते हैं, फिर सबको कर लेते हैं कैप। हो गया कैप, फिर कैप हो जाने के बाद फिर मैं करूँगा यहाँ पर डिस्टेंस करूँगा, देखिए इस तरह से। थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो सके। डन, फिर ठीक है, फिर इसके अंदर से जो भी एक्स्ट्रा सेगमेंट्स जैसे लग रहे हैं, जैसे यहाँ पर काफ़ी सेगमेंट्स में काफ़ी अजीबोगरीब हालात हो रहे हैं यहाँ पर, तो इधर पे जो बेकार के सेगमेंट्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों को कर देना है रिमूव। कर देना है बाद में, इसको फिर से रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो काम हो गया अपना। फिर अभी जैसे कि बीच में एक चीज़ है जो ये चीज़ आ रही है, इसको भी हम लोग काम करना है और ये भी अंदर की चीज़ भी बनानी है।
तो फिर से हम लोग लेते हैं सेगमेंट्स को, फिर से इसको कर देते हैं कैप, सेलेक्ट किया और कर दिया कैप, ये कैप हो गया अपने पास, ठीक है। अभी मैं फिर से करूँगा इसको अंदर की तरफ, एक्सट्रूड या इंस्टेंस करूँगा एक बार लाइक दिस, फिर जो एक्स्ट्रा ये सेगमेंट्स जो बीच में का ये ख़राब हो रहा है तो भी फिर से हम लोग कर देंगे डिलीट। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि ये एक राउंड बनना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंड बना देंगे हम लोग। अब फिर एक आइडिया है मेरे पास, डिलीट क्या, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इधर पे बीच में अच्छे से शेप को क्रिएट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो अभी बीच वाला मैं कर देता हूँ कैप, ये जो है इसको कर देता हूँ कैप, ये हो गया पूरी तरह से कैप अच्छे से, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये जो बीच वाला शेप है उसको क्रिएट करना है, पहले बीच वाला शेप यानी कि ये जो नीचे वाला जो ये है ये पार्ट, तो उसको बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, एक लेंगे सर्कल, सर्कल यानी कि हम लोग सिलेंडर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सिलेंडर को डाल सकते हैं यहाँ पर, ले लेते हैं, थोड़ा सा क्या शेप थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पर अभी। पहले तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ सिलेंडर को, तो उसके शेप को प्रॉपर मैनेज करेंगे। थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, अभी जो ये शेप में कुछ चेंजेस आए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। के लिए मैंने एक ये लिया, तो इधर पे ले लेता हूँ सॉफ्ट सिलेक्शन, सॉफ्ट सिलेक्शन अप्लाई किया तो ये देखो पूरा एक मल्टी जितना भी सिलेक्ट होता है तो उससे मैं पूरा एक साथ में मैं मूव कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, परफेक्ट एक शेप में आ गए हम लोग। फिर अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको फिर से मैं लेके जाता हूँ सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर काफ़ी है, ठीक है ना जी। फिर अभी मुझे तो ये वाला पार्ट है बीच वाला नीचे वाला ये वाला पार्ट, इसको अंदर की तरफ करना है माइनस में एक्सट्रूड, तो वो कर लेते हैं पहले। ये लिया ये और ये भी जितने पार्ट्स हैं सबको कर लेंगे माइनस में एक्सट्रूड। एक्सट्रूड लाइक दिस माइनस प्लस में हो रहा है, हम लोग इसको करेंगे माइनस एक्सट्रूड लाइक दिस, एक और कर लेंगे प्लस यानी कि एक और हो जाएगा, ये तो एक और कर लेंगे क्या काफ़ी है।
अभी इसके अंदर भी हम लोग को एक और सेगमेंट डालना होगा ताकि जाके जो ये स्मूथ होगा, तो फिर तब उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो लो स्टॉप सिलेक्शन बंद कर देता हूँ। तो वैसे सिलेक्ट हुआ, फेस के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे कनेक्ट, ये हो गया डन। फिर अभी ऐसे ऐसे में भी हम लोग को सेगमेंट डालने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये ना प्रॉपरली स्मूथ नहीं बनेगा जब तक इसमें सेगमेंट्स ना हो। तो सेगमेंट्स हमें ऐड करने होंगे। सेगमेंट ऐड कैसे करेंगे, तो इधर पे भी मैं कर लेता हूँ रिंग। तो सेगमेंट ऐड करने के लिए फिर डालते हैं इसमें कनेक्ट, और कनेक्ट डालना चाहिए इस पर, तो उसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर लेते हैं कनेक्ट, टिक कर लेते हैं टिक। तीन या चार, चार काफ़ी होगा, चार या पाँच। एक बार इसको स्मूथ करके देखते हैं, मैस स्मूथ कैसा अपने पास लुक आ रहा है। ये अपने पास शेप आ गया। नीचे का थोड़ा सा अजीबोगरीब बन रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नीचे का ये जो अजीबोगरीब शेप बन रहा है ना यहाँ पर, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तरह से नहीं बनना चाहिए है। पॉलीगॉन में जाएंगे, सेट करेंगे, सॉरी इसका स्मूथनेस बंद कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो करूँगा मैं इंसर्ट, कहना चाहिए पे एक और सेगमेंट ऐड कर लेंगे यहाँ पर भी बीच में, क्योंकि अजीब हो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा सेगमेंट्स। सेगमेंट ये हम लोग एजेस ले लेंगे यहाँ पर, एजेस ऐड किया, फिर कनेक्ट किया यहाँ पर कनेक्ट। यहाँ पर भी सेगमेंट्स और ऐड हो गए, और बार स्मूथ करके देखते हैं कि अभी इसके साथ इफेक्ट क्या हो रहा है। देखो स्मूथ हो गया, जो इधर लाइन्स आ रहे थे वो लाइन्स हट गए, भी ऑलमोस्ट स्मूथ हो गए। ठीक है, इधर पे ये स्मूथ हो गया है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो ये बीच वाला पार्ट है वो भी डिज़ाइन करना है अभी यहाँ पर। और यस हाँ, अभी उस चीज़ें करिए। तो अंदर भी हम लोग ऐड सेगमेंट ऐड कर लेते हैं। अभी कैप सेगमेंट ऐड कर लेते हैं, हो गया। अभी जो एक ये चीज़ जा रही है यहाँ पर, तो बीच में सेंटर में, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, के लिए भी इसके जो बीच का जो सेगमेंट्स है वो हम लोग ले सकते हैं पॉलीगॉन से। बीच वाला जो शेप था इस, तो एक मिनट वही मैं करने वाला हूँ। ये जो है, ये जो शेप हम लोगों ने जो बनाया था शेप को, लुक देंगे। तो
अलग से ले लेंगे, डिटैच कर लेंगे इसको अच्छे से, क्लोन ऑब्जेक्ट। वहीं पे रहने देते हैं। फिर इसको करते हैं हम लोग एक शेल, इसके शेल में भी सेगमेंट ऐड कर लेते हैं ताकि उधर पे जब हम लोग स्मूथ करें प्रॉपरली हो जाए। इसके ऊपर भी एक और एडिट पॉली डाल देते हैं, फिर एडिट पॉली हम लोग इसको कर सकते हैं वैसे भी। ये वाले पार्ट को हमें पतला करना है, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया यहाँ पर। ये हम लोग सॉफ्ट सिलेक्शन भी यूज़ करके कर सकते हैं। सॉफ्ट सिलेक्शन, सॉफ्ट सिलेक्शन का एरिया में बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पर, फिर इसको सॉफ्ट सिलेक्शन के जरिए हो जाने दीजिए, देखते हैं। ले लेते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो कर लेते हैं नीचे की तरफ कुछ इस तरह। दोनों को मैं करता हूँ मैश स्मूथ, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। वैसे ऊपर की तरफ बाहर निकल रहा है, उसको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो इसका सॉफ्ट सिलेक्शन बंद करता हूँ यहाँ पर। मैं इसको भी मैश स्मूथ करके देखता हूँ। भाई मैं ये ऊपर का जो पार्ट है इसको बनाता हूँ। होगा ये पार्ट बनेगा कैसे, ये बनेगा कैप्सूल से। कैप्सूल हमें मिलता किधर है, एक्सटेंडेड में इधर मिलेगा अपने को कैप्सूल। उधर कैप्सूल को करते हैं क्रिएट,
ये थोड़ा सा कैप्सूल में मॉडिफिकेशन करना होगा, थोड़ा सा ये साइज़ बढ़ा दिया, थोड़ा सा जो इसका सेगमेंट्स है इसको बढ़ा देते हैं, और जो हाइट है इसको कम कर देते हैं। ये हो गया कुछ स्टेप से। सेंटर में होना चाहिए, तो प्रॉपर सेंटर में लेके आने के लिए स्नैपिंग आपको एक ब्लैक कलर देता हूँ, ताकि अपने को समझ में आए कि अपना कैसा बन रहा है। एक कलर दिया था, मटेरियल ले लेते हैं हम, इन लोग मटेरियल डाल देते हैं इसमें, एक सिंपल सा ब्लैक कलर का। अभी इसके अंदर और भी शाइनिंग जो मटेरियल चाहिए अपने को, तो इस टाइप की शाइनिंग मटेरियल वो भी हम लोग डालेंगे। तो पहले तो एक बेसिक सा मटेरियल हम लोग डाल देते हैं इसमें, बेसिक सा, ताकि पता चले। ग्रे मटेरियल ले लेते हैं, ब्लैक कलर, थोड़ा सा ये होता है फर्नल रिफ्लेक्शन। कोई भी मटेरियल हो आपके पास, फर्नल रिफ्लेक्शन होना चाहिए सब में, बिना फर्नल रिफ्लेक्शन ऑन किए नहीं हो सकता। ये फर्नल रिफ्लेक्शन ये ऑन होना चाहिए, ये चमक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए चमक आ गई। ठीक है, बाकी तो क्या कि बम्प मैप वगैरह वो सब डालना पड़ता है। तो ज़्यादा उतना ब्लैक ही नहीं करता हूँ, नहीं तो काफ़ी हम लोग को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है मॉडिफिकेशन में। थोड़ा इस तरफ से, अभी ये तो अपना इतना बन गया, इतना रेडी हो गया अपने पास। तो अभी अपने को क्या करना है, इसके ऊपर बनाना है ये जो होता है, इसका जो सिंबल वो होता है शंकर जी का जो लोगो होता है, ठीक है, तो वो हमें बनाना है यहाँ पर। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए उसका हम लोग को बना लेना पड़ेगा अलग से PNG फाइल, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जाना पड़ेगा फोटोशॉप पे, ठीक है। अभी इसका मेरे को अलग से इसका लोगो ये निकालना है सिंबल, तो शंकर जी का, तो इसको कैसे निकालें, मैं इसको कर लेता हूँ इतना क्रॉप, पहले तो क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप हो गया। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर मैं अप्लाई करूँगा अपना, पहले तो अप्लाई करेंगे लेबल्स, ताकि ब्लैक कलर हो जाए। मेरे को ये लोगो मिल गया, तो मैं इसका एक अलग से बना भी सकता हूँ यार, कोई पंगा नहीं है। तो इसको मैं कर लेता हूँ जूम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ही लो क्वालिटी लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी भाई, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी। तो मेरे को चाहिए कम से कम 900 का साइज़ तो होना चाहिए, फिर भी बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, तो क्रिएट करना काफ़ी आसान है फोटोशॉप में, अगर इस तरह का चीज़ आपको क्रिएट करना है तो। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ राउंड वाला, ये लिया ये शेप, तो ये शेप में एक लिया मैंने, फील मेरे को चाहिए वाइट कलर, आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है।
तो अभी मैं इसके ऊपर एक शेप बना रहा हूँ। यहाँ पर शेप नंबर वन बन गया। अभी शेप के ऊपर जो रेडियस होता है, ये रेडियस है उसका, कि रेडियस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसकी रेडियस को मैं करता हूँ 20। देखिए अभी ये रेडियस थोड़ा और बढ़ गया, तो मेरे को रेडियस और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 20 से करना चाहिए इसको 20, 30 करना चाहिए, 30 या 40 कर लेते हैं, बेटर रहेगा, 40 40 सही रहेगा। तो 40 देखते हैं 40 में कैसा हो रहा है। यस ये राइट है अपने लिए, ये सही है, 40 वाला सही है। तो एक शेप बना के फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे करेंगे वो बताऊँगा मैं। एक शेप प्रॉपर हो जाना चाहिए अपने पास, इस शेप को हम लोग प्रॉपर साइज़ में ले लेते हैं। कंट्रोल 3 प्रेस किया और इससे बड़ा कर रहा हूँ मैं कुछ इस तरह से। फिर अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, अल्ट प्रेस करने देखो दो कर्सर बन जाते हैं यहाँ पर, अल्ट प्रेस जो कीबोर्ड का अल्ट प्रेस करते हैं दो कर्सर। तो मैं क्लिक करूँगा एंड ड्रैग करूँगा और नीचे की तरफ, देखिए उसका कॉपी बन गया हमारे पास। क्लिक करूँगा ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ तो कॉपी बन गया अपने पास। अभी ये बीच में का जो ये सर्कल है इसको मुझे कैसे बनाना है, कॉपी बनाना है अपने एलिप्स से। तो एलिप्स लिया एंड सर्कल लाइक दिस। अभी काफ़ी वाइटिंग आ गया है तो वाइट नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको कर देंगे कलर। पहले एक प्रॉपर शेप अपने पास आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से मैं शेप ले रहा हूँ, इसके अंदर शेप का कलर चेंज करना है मुझे। तो इस पर दो बार क्लिक करते हैं, यहाँ पर होता है कलर, यहाँ पर मैं ले लिया रेड कलर एंड ओके, हो गया रेड कलर, तो आ गया रेड कलर में अपने पास। अब ये बैकग्राउंड में हम लोग इसको कर देते हैं ब्लैक पूरा। तो बैकग्राउंड में ब्लैक करने के लिए मेरे पास क्या है, अलग से ले लेता हूँ। तो कंट्रोल बैक स्पेस कर देना है, पूरा पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास इतना आ गया, ये मेरे पास PNG मैं इसका बना लूँगा, इसका PNG इमेज। तो इसको मैं PNG इमेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेव एस। टू PNG, इधर PNG फॉर्मेट देखना पड़ेगा, PNG फॉर्मेट। और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ अपने सिवर लिंक के। ये आ गया। अभी मैं करूँगा अपना अल्फा इमेज को इधर पे डालूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक लेना होगा खाली प्लेन, ब्लैंक प्लेन, तो इसके ऊपर लगेगा यहाँ पर। तो ब्लैंक प्लेन कहाँ से लेंगे हम लोग, इसमें से एक ब्लैंक प्लेन उठा लेते हैं, इसमें से यानी कि इससे ही हम लोग एक अटैच कर लेते हैं ब्लैंक प्लेन, क्योंकि हम लोग को इसी शेप पर हम लोग को फिट कराना है। तो इसी शेप का मुझे यहाँ पर फिट कराना, उसी शेप का उतने साइज़ में मुझे एक ब्लैंक प्लेन ले लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, मेरे को कहाँ पर वो फिट कराना, वो पहले मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा पहले कि ओ हो ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं देख लूँगा कि मेरे को लगाना किधर पे है वो सिंबल, कितने दूर पर होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर सामने की तरफ है, तो हम लोग भी सामने की तरफ लगाएंगे या फिर साइड में लगाएंगे, ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि सामने की तरफ इस बेटर। हाँ सामने के इस बेटर, ठीक है सामने की तरफ लगा सकते हैं। तो सामने की तरफ लगा देते हैं इसको, तो इसको हम लोग सामने की तरफ लगाएंगे। तो इधर पे दो सेगमेंट लेता हूँ, तो थोड़ा सेगमेंट को ले लेते हैं ऊपर लाइक दिस, हम लोग डालेंगे इसको सेंटर में आई थिंक यहाँ पर। तो यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ कुछ सेगमेंट्स, यहाँ से उठा लेता हूँ यानी कुछ पॉलीगॉन्स जिसके ऊपर मैं वो सिंबल को डालूँगा, ये सॉरी सिलेक्शन वाला टूल ऑन होना चाहिए जब आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो ध्यान देना है ये। अगर ये सेंटर है आपका तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 परफेक्ट, ठीक है हम लोग का वो सिंबल आएगा यहाँ पर। तो अभी यहां पर हम लोग कर लेंगे इसको
ओह सॉरी, अभी हम लोग इसको यहाँ पर कर लेंगे डिटैच, डिटैच। जब डिटैच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि डिटैच टू एलिमेंट, डिटैच एज ए क्लोन। तो मुझे क्लोन चाहिए, तो क्या होगा, जो वो शेप नहीं कटा उसका शेप के जैसा मेरे को एक अलग से शेप आ गई मेरे पास, उससे फ़ायदा ये हुआ। तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, अभी वो पीएनजी जो हम लोगों ने अभी बनाया है वो अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं उसको अप्लाई। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने मटेरियल के अंदर, मटेरियल में हम लोग जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर इसके ऊपर मैं डालता हूँ वो सिंबल, ये रहा, ये हम लोग ने बनाया था अभी, उठा लिया। तो हम लोग प्रॉपरली यूडब्ल्यू मैपिंग कर लेंगे, फिर हम लोग उसको पीएनजी को ट्रांसपेरेंट करेंगे। अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, अभी भी वैसे ही है, तो हम लोग ओपेसिटी में डालेंगे तभी। और सबसे पहले तो इसको हमें कर देना है परफेक्टली यूडब्ल्यू मैपिंग, असाइन किया एंड शो किया। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक, यानी कि एक ही मैच एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मोमेंटम होना चाहिए ना, काफ़ी होगा थोड़ा और, ओ सॉरी थोड़ा मैं आगे की तरफ, मुझे चाहिए पीछे जा रहा है, आगे काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया। कुछ पॉइंट नीचे, कुछ पॉइंट ही नीचे डालना है हमें। ओ भाई ज़्यादा हो गया, ठीक है 0.0 0, अब सही है। अभी इसके अंदर यूडब्ल्यू मैपिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, ताकि ये पूरा पूरा जो अपना जो ये है सिंबल पूरा दिखाई दे, तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा यूडब्ल्यू मैपिंग में। कुछ चाहिए तो हम लोग को थोड़ा सा ऊपर करना है तो ऊपर कर सकते हैं, इस तरह से आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पर हम लोग को ब्लैक ये दिख रहा है बैकग्राउंड, तो हम लोग को सिर्फ ये सिंबल चाहिए था। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये रहा ओपेसिटी, मैं कॉपी कर स्टेंस कर लेते हैं। देखिए पूरा जो ब्लैक पार्ट था वो हम लोग का हो गया गायब से, हम लोग के पास आ गया, उसका जो पीच वाला पार्ट है अपना सिंबल वो परफेक्टली अपने पास आ चुका है और ये परफेक्ट बन गया अपना, ठीक है। अब इसके ऊपर अभी हम लोग और भी काम करें, जैसे कि इसके अंदर जो टेक्सचर्स है ये मटेरियल्स जो है, तो इस तरह के मटेरियल्स हम लोग डालेंगे स्टोन के ब्लैक कलर के, ठीक है। देखते हैं कि कैसा लुक आता है और कैसा दिखता है। बाकी तो अभी नीचे की शेप में थोड़ा सा मेरे को सोच रहा हूँ थोड़ा चेंजेस कर लूँ, जो थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है। नीचे का शेप मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, तो नीचे के शेप में थोड़ा सा मेरे को मॉडिफिकेशन करना होगा, तो मैं अभी करने वाला हूँ। तो फिर करते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए इसको एक्सट्रूड इस तरह से, ठीक है। फिर इतने भी ये
पार्ट्स हैं इसको सिलेक्ट कर लेना है अच्छी तरह से। फिर लेना है मुझे एक्सट्रूड, यहाँ से ले लेते हैं, बेटर रहेगा अपने लिए। फिर इसके अंदर अलग टाइप के ऑप्शंस आते हैं एक्सट्रूड के बारे में, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाया हूँ पहले से ही, तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, पहले इधर प्लस कर लेते हैं एक बार, इसको बड़ा कर लेते हैं, इधर भी प्लस कर लेते हैं, इसको कम कर लेते हैं। फिर अगर अभी भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको हम लोग स्केल कर सकते हैं कुछ लाइक दिस। अब इसको भी हम लोग स्मूथ कर लेते हैं, मैस स्मूथ। अगर एक और चीज़ मुझे एक और सेगमेंट इधर पे ऐड करना था, नहीं तो फिर इसकी स्मूथनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। ये चलते हैं हम लोग इधर पे, तो अलग से उठा लेते हैं। इसके बीच में मेरे को और भी एलिमेंट नहीं, पॉलीगॉन के अंदर माइनस में एक्सट्रूड करना था, माइनस इंसर्ट करना था इसके अंदर। इंसर्ट करेंगे तब जाके इसमें सेगमेंट और भी ज़्यादा ऐड हो जाएंगे कुछ इस तरह से, ताकि स्मूथनेस करते टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ऊपर की तरफ भी मुझे सेगमेंट एक ऐड करने पड़ेंगे, रिंग कर लेता हूँ एंड सेगमेंट डाल लेता हूँ इसमें, ऊपर की तरफ सेगमेंट को मूव कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। डन हो गया। फिर मैं अभी इसको आसानी से स्मूथ कर सकता हूँ और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। प्रॉपरली स्मूथ हो गया, अपने पास आ गया ये पार्ट, डन। अभी परफेक्ट लग रहा है, अभी सही लग रहा है मुझे। अभी मुझे ब्लैक कलर का टेक्सचर और मटेरियल डालना है, उसके लिए सबसे पहले एक सिंपल सी लाइटिंग कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, ताकि हम लोग को इसकी शाइनीनेस और वो सब सारी चीज़ें दिखे। तो एक सिंपल लाइटिंग कर देते हैं, सिंपल लाइटिंग मीन्स प्लेन लाइट लेते हैं हम लोग टॉप से, टॉप से एक लाइट इस साइड से और एक लाइट इस साइड से कर देते हैं रोटेट, आई थिंक इस साइड से ऐसे और इस साइड से ऐसे। ऊपर की तरफ होना चाहिए, ओ सॉरी, लाइक दिस। हम लोग रेंडर करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, लाइटिंग को कम ज़्यादा करना पड़ेगा, वो कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। अभी अपना लाइव रेंडर हो रहा है एंड साथ में मैं
के मटेरियल में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अभी मटेरियल में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाइटिंग हो रहा है। तो हम लोग लाइट को भी कम कर लेते हैं, या फिर रहने देते हैं। नो पंगा, ये शाइनीनेस आई थिंक सो आ रही है, तो फिर थोड़ा सा लाइट में तो ठीक है लेगा। तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं, ये अपना है मटेरियल जो पूरे पूरे शिवलिंग का मटेरियल है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर से एक थोड़ा सा बम्पिनेस क्रिएट करना होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मटेरियल्स है शिवलिंग का, आप देख सकते हो कुछ लेफ्ट टाइप का एक स्टोन टाइप का, एक ब्लैक स्टोन टाइप का एक मटेरियल है, जिसमें मट्टी कलर भी एक साथ में दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना मटेरियल, मटेरियल लाइब्रेरी को ओपन करूंगा यहाँ पर। जैसे मैं इस वाले मटेरियल को उठा लेता हूँ, ये वाला मटेरियल ठीक है। जैसे मैं इस वाले मटेरियल को उठा लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ। अभी इसके अंदर से मैं सिर्फ उसका बम्प, उसका जो मैप है तो वो मैं बस लूँगा, बाकी ये सब को निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को ब्लैक कलर का वो नहीं मिल रहा है मटेरियल यहाँ पर। ठीक है, ये अपने पास आ गए यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं इसके अंदर इसका बम्प देख लेता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट डाला है स्मोक कलर का, और ये है डर्ट। तो स्मोक में आखिर में है कैसा है, ज़रा देख लेते हैं। अभी ये नॉइजीनेस डाला है यहाँ पर, इसी नॉइजनेस को मैं अप्लाई करके देखता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया एंड गया डिस्प्लेसमेंट में, पेस्ट, थोड़ा सा कुछ फ़र्क पड़ा, हल्का सा आया, मगर जाके उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो थोड़ा सा मैं इसको ब्लैकिश और कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये ब्लैक ही नहीं है, थोड़ा सा ग्रेश है, तो इसकी वजह से ग्रेश दिख रहा है। तो फुल ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अभी ये आपको इस टाइप का दिख रहा होगा, तो इसकी जो शाइनीनेस है मुझे कम करनी होगी, कुछ ज़्यादा ही शाइनीनेस बढ़ गई है, तो इसकी शाइनीनेस को हल्के से कम कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो गया भाई। चमक को और करते हैं, बढ़ाते हैं, अभी ओके है यार, ठीक लग रहा है मुझे। ब्लैक भी है और चमक भी आ रही है इसमें, शाइनिंग भी आ रही है, मगर चमक मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा आ रही है। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, तो चमक थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगी, जो भी चमक आ रही है हल्की हल्की कम होती जाएगी जितना हम लोग रिफ्लेक्शन को कम करते जाएंगे। ये देखिए चमक कम हो गई, ठीक है। अब चमक को और बढ़ाना, तो अब रिफ्लेक्शन को बढ़ा दो तो चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हो, और इसके अंदर थोड़ा सा और भी मुझे, मैं सोचा कि ये वाले मैप को अगर मैं डालूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर इसके टोन का है, इसके इस उसके अंदर डालूं मैं, बम्प में डालूं तो कैसा लुक आएगा एक बार देख लेते हैं। ये वाला मैप है, एंड कर लेते हैं कॉपी, ये चलते हैं यहाँ पर 100
को यूजुअली मैपिंग करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि पूरा पूरा जो ऑब्जेक्ट है सब जगह पे जो टेक्सचर्स है प्रॉपर तरीके से है, तो सब जगह पे इधर इधर पे सब जगह पे गया है, इधर पे सब जगह पे बम्पीनेस आने लग गया है देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं इसको करता हूँ डिसेबल, अभी मैं इसको जूम करके देखते हैं हम लोग कि सब जगह पे कहाँ कहाँ पे बम्पीनेस आई है और कैसी दिख रही है, कैसा लुक आ रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेते हैं जूम, तो काफ़ी परफेक्ट लुक आ रहा है, इधर बम्पीनेस भी आ रही है, इधर पे आप देख सकते हो अच्छे से नज़र आ रहा है, मस्त पम्प भी अच्छे से लुक आ रहा है जो जैसा शिवलिंग पे रहता है दिस, ठीक है। अब ये लगता है जैसे नया वाला शिवलिंग है, न्यू शिवलिंग, पम्पीनेस भी आ रही है सब कुछ, और ये सब सारी चीज़ें क्लीन दिख रही है परफेक्ट। तो बस अगर आपको ये मॉडल मैं डाल दूंगा pixnary.com पे, अगर आपको ये मॉडल चाहिए तो आप वहाँ पर से जाके ये मॉडल ले सकते हो परफेक्ट, ये पूरा मॉडल तो मैंने अभी अभी डिज़ाइन किया हुआ ये मॉडल को, ये मॉडल मैं वहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ये मॉडल परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी सीन में इसको लगा सकते हो, कोई कॉपीराइट इशू नहीं होगा, आराम से नो प्रॉब्लम, और काफ़ी अच्छा दिख भी रहा है, लुक भी अच्छा आ रहा है। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हम लोग इस तरह से शिवलिंग की मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, और हम लोग ये मॉडल लेना चाहे तो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। और भी अच्छी क्वालिटी के मॉडल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, इंडियन मॉडल और भी डालने वाले हैं वहाँ पर, और भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।